हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ़ हुसैन और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एंजियोप्लास्टी और सीएबीजी यानी कि बाईपास सर्जरी में क्या अंतर होता है। और जो हार्ट अटैक के मरीज़ हैं या उनकी फैमिली हैं, उनसे ये बहुत ही कॉमन सवाल है कि अगर एंजियोप्लास्टी हो सकती है तो आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको ओपन हार्ट सर्जरी करने की ज़रूरत क्या है, या ओपन हार्ट सर्जरी के फ़ायदे क्या है, एंजियोप्लास्टी के फ़ायदे क्या है। तो इस वीडियो में हम यही बात करें सो दैट आपके मन से वो सारी शंकाएँ निकल जाएँ कि ऐसा क्यों होता है। ऑब्वियस ये सवाल पूछने चाहिए क्योंकि जो पीटीसी है या जिसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं वो फिर भी थोड़ा सा कम रिस्की प्रोसीजर है कंपेरेटिव टू सीएबीजी, लेकिन उसके अपने अलग फ़ायदे हैं या अलग ज़रूरत है कि हमें क्यों करना और कब कैसे करना है। जो पीटीसी है या जिसको हम एंजियोप्लास्टी कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, उसमें सिंपली एक गाइडवायर के थ्रू किसी आपकी या तो रेडियल आर्टी से या फीमोरल आर्टी से हार्ट तक पहुँचा जाता है और ये शीथ के अंदर एक गाइडवायर चलता है और वहाँ पर जब हमें पता होता है कि कहाँ पर आर्टरी में ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को एक स्टेंट डाल के खोल दिया जाता है। इसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है, छोटा प्रोसीजर है। जनरली अगर 1 से 2 आर्टरी में ब्लॉकेज होता है तो ये कोरोनरी एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर किया जाता है। जैसे आप डिटेल्ड वीडियो आप ये देख सकते हैं ऊपर, जहाँ पे हमने बहुत ही डिटेल्ड एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के बारे में बताया है। दूसरा, सीएबीजी की ज़रूरत कब पड़ती है। सीएबीजी की ज़रूरत या ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत तब पड़ती है कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है, जो आर्टरी हार्ट को सप्लाई करती है, या तो उसकी मेन ब्रांच में ही ब्लॉकेज है जो आगे ब्लड सप्लाई को बहुत कम करके रखे हुए है, या जो कोरोनरी आर्टरी की तीनों ब्रांचेज में ही ब्लॉकेज है, वो कम और ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी हालत में फिर बाईपास ग्राफ्ट या सीएबीजी करने की सलाह दी जाती है और ये डिसीज़न आपके डॉक्टर का होता है। इसमें कभी भी आपको अपनी तरफ से इस नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। डॉक्टर हमेशा वही डिसीज़न लेता है जो मरीज़ की सेहत के लिए और उसकी आउटकम के लिए बेटर होता है। सीएबीजी तभी किया जाता है जब ज़रूरी हो, बट सीएबीजी करते कैसे हैं, उसके लिए मरीज़ के हार्ट को एक तरह से एक्सपोज किया जाता है। तो जो सेंट्रल बोन होता है जिसको स्टर्नम कहते हैं, यहाँ पे एक इंसिजन लगाया जाता है और उसके बाद हार्ट को एक्सेस किया जाता है। और फिर जहाँ पर एक ब्लॉकेज होता है, उस ब्लॉकेज में एक बाईपास ग्राफ्ट लगा दिया जाता है। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, उसके लिए जो एक ग्राफ्ट हम किसी भी हिस्से से अपने मरीज़ के शरीर से एक वेन को निकाल लेते हैं और उस वेन को जहाँ पे ब्लॉकेज है उसके अगले और पिछले सिरे पे जोड़ देते हैं सो दैट वो ऐसे एक बाईपास बन जाए और ब्लड सप्लाई अगले हिस्से में जाने लगे। अगर ये एक जगह होता है तो एक ग्राफ्ट लगता है, अगर 2 जगह होता है, 3 जगह होता है तो 3 ग्राफ्ट लगते हैं। तो इसको हम ओपन हार्ट सर्जरी या सीएबीजी या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट के नाम से जानते हैं। जब ये सर्जरी की जाती है वो भी डिपेंड करता है कि सर्जन क्या ऑप्शन लेना चाहता है। तो आपके हार्ट को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है और आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो एक आर्टिफिशियल मशीन जिसको हार्ट लंग मशीन कहते हैं उस पे चला जाता है। तो ये मशीन एक तरह से आपके हार्ट और लंग का काम कर रही होती है और डॉक्टर आपके हार्ट पे आसानी से ये काम करता रहता है बाईपास ग्राफ्ट लगाने का। कुछ डॉक्टर ये भी प्रीफर करते हैं कि नहीं, जब जैसे दिल धड़क रहा है हम धड़कते दिल पर ही ये काम करेंगे, और वो उनकी एक्सपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। तब वो हार्ट लंग मशीन को सिर्फ बैकअप के तौर पर रखते हैं और धड़कते हुए दिल पर ही वो बाईपास ग्राफ्ट लगा देते हैं। ये और इस तरीके से जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट की सर्जरी है, जिसको सीएबीजी कहते हैं या ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं, वो परफॉर्म की जाती है। क्यों की जाती है, उसमें एक तो हमने बात की कि भाई ये ब्लॉकेज मल्टीपल होंगे, या मान लो पहले से पीटीसीएज हो गए और वो काम नहीं करा ठीक से, या मरीज़ का हालत ऐसी है कि उसमें शायद पीटीसीए नहीं किया जा सकता है। तो बहुत सारी कंडीशन है, वो डॉक्टर ही आपका डिसीजन ले पाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जानकारी भरा लगा होगा। अगर बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें सो दैट इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।